हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनन्या चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, तो चलिए ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और देखिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। दोस्तों चलिए हम बनाना शुरू करते हैं दम की बिरयानी। तो दम की बिरयानी के लिए ये हमने प्याज लिया है, प्याज को हमने लाल भून लिया है, नींबू है, मिर्चा है, केवड़ा जल है, गुलाब जल है, एसेंस कलर लिया है हमने, और बिरयानी मसाला है, दही है, और हमने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर लिया है, और यहाँ मैंने धनिया और पुदीना काट लिया है, घी लिया है, गरम मसाला लिया है। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे बिरयानी बनाने में। यह हमने चिकन लिया है, 2 किलो चिकन है, तो 2 किलो चिकन में चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है, धो के सारा पानी निकाल लिया है। इसमें हमने पहले दिया है धनिया पाउडर, तो धनिया हम ज़्यादा देंगे। अगर हम 4 चम्मच धनिया दे रहे हैं तो 2 चम्मच ही हम ज़ीरा पाउडर ही डालेंगे, उसका ऐसा ही रेशियो रहता है। और यहाँ हमने रेड मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, ये काफ़ी तीखा है तो हमने कम डाला है, हल्दी डाला है, और उसके बाद हमने यहाँ दही डाला है, तो यहाँ हम दही भी डाल लेंगे। आधा किलो दही है तो आधा किलो में थोड़ा सा हम रख लेंगे, बाकी लगभग सारा डाल देंगे, हमने थोड़ा सा बचा दिया है उसमें। और ये हमारा पुदीना और धनिया पत्ता जो हमने काट के रखा है, उसको पहले से ही धो लिया था हमने, धो के काटा है। और ये हरी मिर्च है, करीब 7 से 8 थी, उसको भी डाला है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है हमने, आप चाहो तो घर में भी पेस्ट बना के रेडी किया हुआ, घर का रेडी किया हुआ डाल सकते हैं। ये नींबू है तो इसमें हमने 2.5 मतलब 2.5 नींबू लिया है, इसमें हमने तो नींबू को भी हम अच्छे से डाल देंगे, यानी 2.5 नींबू लिया है उसको हम डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नॉर्मल जो घर में खाने वाला नमक होता है वही इस्तेमाल किया है हमने, तो नमक को डाल लिया है। ये कैच का हमने बिरयानी मसाला यूज़ किया है, आप चाहो तो कोई भी बिरयानी मसाला आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद हो टेस्ट वाइज, जो भी ब्रांड का अच्छा लगता है तो आप वो इस्तेमाल करना, मैंने कैच का लिया है यहाँ। उसके बाद हम केवड़ा जल है उसको डालेंगे, तो थोड़ा सा केवड़ा जल भी डाल दिया है हमने। उसके बाद हम यहाँ जो है गोटा गरम मसाला जो होता है वो यूज़ किया है, उसमें इलायची थी, जावित्री था, लौंग था, गोल मिर्च था, वो डाला है। 2 चम्मच हमने घी डाल दिया है, और ये भुना हुआ जो प्याज है उसको हम डाल देंगे, जो हमने रेड करके भून लिया था। उसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो वो डाल सकते हो, और इसमें मस्टर्ड ऑयल मत डालिएगा, रिफाइंड ही ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद हम अच्छे से हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि हाथों से मिलाने से अच्छा से वो मिल जाता है, तो हमने यहाँ हाथ का इस्तेमाल किया है, हाथ से इसे अच्छे से मिला लिया है। ये है आपका गरम मसाला पाउडर, तो थोड़ा सा हमने डाला है, और इसे हम मैरिनेट करके करीब 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो हमने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया है। जब हम मैरिनेट कर रहे थे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल था, देखने में ही सुंदर लग रहा है। ये है राइस, हमने बिरयानी बनाने के लिए बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, तो ये बासमती राइस को हमने पहले से धो लिया है, धो के पानी निकाल लिया है, और ये पतीले में हमने पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है।
और इसमें हम नमक डाल देंगे। उसके बाद इसमें जो है गरम मसाला जो होता है, बड़ी इलायची, जावित्री, तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गया, स्टार हो गया, दालचीनी हो गया, इलायची हो गई, हम सारा कुछ जो है उसमें डाल देंगे। इसमें हमने शाही जीरा नहीं डाला क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अब चाहो तो शाही जीरा जो है इस पानी में डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट और अच्छा आता है। तो जो था हमने डाल दिया है और इसमें हल्का सा कुकिंग ऑयल दिया है, करीब दो चम्मच के हिसाब से हमने इसमें डाला है। और पानी में उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। तब तक हमने खीरा और प्याज को हमने काट लिया है। सलाद के लिए हम इसे काट रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रहा प्याज, प्याज को भी हम काट लेंगे क्योंकि बिरयानी में प्याज ना हो, नींबू ना हो तो सलाद ना हो तो वो अधूरा होता है। तो हम इसे गोल गोल शेप पल में ही काट ले रहे हैं। तो हम अपना सलाद जो है उसको रेडी कर लेंगे। इसमें हमने नींबू भी रखा था तो नींबू को भी हम छोटे छोटे बाइट में काट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हमने खाना रेडी किया है वो हमने 8 से 9 लोगों के लिए खाना बनाया था। और ये रहा राइस, हमारा 50% राइस हो गया है तो हम 50% राइस को निकाल लेंगे। तो हम पानी छान के निकाल रहे हैं। आपके पास स्ट्रेनर हो तो आप डायरेक्ट स्ट्रेनर से भी निकाल सकते हो। ये हमारा 50-60% लगभग पक गया था, वो निकाला। फिर हम 70% निकालेंगे, फिर हम 80% निकालेंगे, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। तो हमारा राइस यहाँ जो है वो रेडी हो गया है। ये हमने चिकन जो मैग्नेट के लिए छोड़ दिया था वो चिकन को हमने ओपन कर लिया है। और ये पतीले में हमने 50% पका हुआ पहला जो राइस है वो डाला है। और उसके बाद ये प्याज, केवड़ा जल, गुलाब जल, पुदीना, धनिया पत्ता हम डाल लेंगे। फिर हम जो 70% पका हुआ राइस है फिर डालेंगे। देन वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, केवड़ा जल, गुलाब जल, फ्राई किया हुआ ऑनियन, फूड कलर जो भी है वो डालेंगे। और लास्ट में जो हमारा 80% पका हुआ राइस रहता है, जैसे ये पका हुआ है तो हम उसमें 80% पका हुआ राइस के ऊपर सेम वैसा ही प्रोसेस डालेंगे, करेंगे जैसा हमने ऑनियन डाला है, फूड कलर डाला है और केवड़ा जल, गुलाब जल इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह से हल्का सा उसे ये करने से क्या होता है, वो राइस जो होता है दब जाता है। यहाँ हमने आटे को गून के रखा था पहले से, तो यहाँ हम आटे लगा दे रहे हैं क्योंकि हम दम की बिरयानी बना रहे हैं। तो इसका जो गैस होता है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हम जो इसमें आटा को गून के रखा है तो वो हम थोड़ा थोड़ा करके चारों कोना में लगा लेंगे। इस तरह आप पतली लंबी लोइया जैसा बना के और उसे चिपका दीजिए। देखिए हमने चारों कोना में लगा दिया है, पूरी अच्छे से बैठाना है इसे ताकि इसमें ढक्कन अच्छा से एडजस्ट हो जाए और जो स्टीम है, इसका जो भाप है वो बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसी भाप से जो हमारा चिकन है वो पकेगा। और ये उसका ढक्कन है तो ये ढक्कन को हम अच्छे से बैठा देंगे और आटे को इसके ऊपर से जो हमने लगा के रखा था उसको अच्छे से ऊपर तक लगाएंगे और इसे अच्छे से फील कर देंगे ताकि जो ढक्कन से कहीं भी तरह से गैस बाहर ना निकले। और इसी तरह हम प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, मैंने उसे पूरा अच्छे से सील कर लिया है।
ये मैंने दही लिया है, 1 किलो दही लिया था। दही को अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद ये हमने पुदीना, धनिया पत्ता और नमक डाल के हमने अच्छे से कूट लिया है। आपके पास मिक्सर ग्राइंडर हो तो आप डायरेक्ट दही में ही पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और हरी मिर्च और नमक डाल के ग्राइंड कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ मिक्सर नहीं है। तो हमने कूट के और पहले से दही को फेंट के रखा था, कूटा हुआ जो है हमारा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और मिर्च डाल दिया है। तो हमारा सब कुछ रेडी हो गया है और हमने यहाँ बिरयानी को पकने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ हमने छोटा वाला चूल्हा इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा जो गैस में लो फ्लेम वाला चूल्हा रहा तो उसमें आग ज़्यादा अच्छी से नहीं आ रही थी, तो हमने छोटे वाले चूल्हे का छोटे वाला चूल्हा इस्तेमाल किया है। इसमें आग काफ़ी अच्छी रहती है। तो हमने इसमें पहले एक और जब चिकन बनाते हैं के ऊपर एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, हमने चिकन गैस पे डायरेक्ट जो भी आप बर्तन बना रहे हो वही हांडी पकने के लिए ना चढ़ाए। डायरेक्ट आप इसे आग में ना डालिए, जो डायरेक्ट आग में डालिएगा तो उस तवे पे जल जाएगी। ऊपर जो बर्तन आप बना रहे हो उसका इस्तेमाल करें, तवा है इससे क्या होता है वेस्टेड चिकन जो है खराब हो गया, तो वो तवे के ऊपर ही आप इसको डालिए और चिपकता नहीं है, जलता नहीं है। अंदर से बिरयानी हो गई है तैयार और गरम है। अभी हमने जस्ट उतारा है तो गरम में ही हम ये जो आटा का चारों कोने में लगा के रखा था उसको हम गरम गरम में ही निकाल देंगे। इससे क्या होता है बर्तन वॉश करने में दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए हम इसे चाकू की मदद से निकाल ले रहे हैं और बर्तन में भी ये आटा चिपका नहीं, बहुत अच्छे से निकल गया है। गरम गरम में ही निकाल लेने से क्या होता है वो बर्तन को वॉश करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये फिर से चिपक जाता है बर्तन में, जिसे वॉश करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो हमने सारा निकाल लिया है, ये हमारी राइस है तैयार। ये है हमारी बिरयानी रेडी है और ये हमारा है दही का रायता जिसको मैंने पुदीना और धनिया पत्ता और मिर्च से रेडी किया है। ये रहा हमारा सलाद। तो चलिए पहले हम बच्चों को खिलाऊंगी और खिला के उन्हीं से पूछूंगी कि कैसा बना है। अच्छा है, टेस्टी लग रहा है। तो ठीक है अब हम लोग चले खाने के लिए। फ्रेंड्स आज मैं नीचे आई हूँ, नीचे कमरे में खाना बन रहा है क्योंकि यहाँ गैस चूल्हा जो है हमारे पास नहीं है, इंडक्शन है, आपने देखा ही है, एक छोटा चूल्हा है। तो जितना भी हमने प्रिपरेशन किया है वो यहाँ पर डबल चूल्हा है तो उसमें प्रिपरेशन किया था, तो इसीलिए हमें नीचे आके बनाना पड़ा। और कपड़े भी धुलने के लिए नीचे मैं दी हूँ, वो भी धुल रहा है तो दोनों ही काम हो जाएगा। एंड आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट वगैरह डाला है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ जो नए हो मेरे चैनल में, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और ढेर सारा कमेंट कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। इतने ही मैं कहना चाहती हूँ और तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।